अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हैं, जल्दी से शाम करो, शाम वालेकुम करो जल्दी अस्सलाम। और ये क्या तैयारी हो रही है, क्या पकाने का इरादा है? तो मेरा पर्सनल पकाने का कोई इरादा नहीं है। ये मेरे पास जो है टिक्का बोटी की पार्टी है और उसमें मतलब चिकन और बीफ को मसाला वगैरह लगाने के लिए, मैरिनेट वगैरह करने के लिए ये मेरी जिम्मेदारी दी गई है मुझे। तो मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी पूरी करते करते मैं थोड़ी सी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ। तो देखें, सबसे पहले मैंने दही, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और दही, इनको मैंने करना है ग्राइंडर। तो मैं ये ग्राइंड करती हूँ। अच्छा, और ये जो बीफ है ना, इसमें मैंने सिरका और नमक मिला के आधे घंटे के लिए रख छोड़ा था। उसके बाद मैंने इसको धोया है साफ़ पानी से, 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको वॉश किया है। उसके बाद अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ और इसका टाइम होगा 12 बजे तक का। 12 बजे तक फाइनली ये मसाले इसमें बहुत अच्छे से जज्ब हो जाएंगे, तो फिर ये पकना शुरू हो जाएगा। देखें, और बोटियों का साइज़ देखें और गोश्त देखें। तो ये इसमें मैं जल्दी जल्दी से टाइम नहीं। और गाइस, आज इतनी गर्मी थी बहुत, कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आप? खान क्या कर रहे हैं? तो गर्मी की वजह से जो है ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गोश्त का पानी नहीं होना चाहिए, देखें सारा निकाल दिया था, फिर ये थोड़ा सा रह गया था, मैंने छन्ने में रख दिया था। गोश्त को धो के, अच्छा जनाब, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, ये दे, ये चलेंगे ऐसे। और ये है बिहारी बोटी का मसाला। अच्छा, पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया है। इस मसाले की बड़ी तारीफ़ सुनी थी, तो हम लोग ने सोचा कि चलो थोड़ा इसको भी ट्राई करते हैं कि इसका जायका कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो खैर, ये तो खाने के बाद खाने वाले बताएंगे कि कैसा बना है। मसाले की तारीफ़ तो बहुत सुनी थी हमने, तो नहीं करो मुरम। इसमें डालेंगे, हाँ मेरे ख्याल से ये ना काफ़ी होगा, इतना काफ़ी है मसाला। और एक लेमन हम इसमें काट के डालेंगे और साथ ही हम डालेंगे कचरी पाउडर, क्योंकि हमने पपीते का पेस्ट नहीं लिया। एक और आधा हम इसमें डाल देंगे, एक और आधा हम चिकन में डाल देंगे। नहीं, आपसे होगा ही नहीं, इसलिए थोड़ी आसानी हो जाएगी तरह से करने में। हाँ, आप सुनो, ये हो रहा ना, हाथ में जलन शुरू हो जाएगा। जब काम करने के दिन आएंगे ना, तो फिर काम नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा काम करने में। अभी आगे आगे करने में बहुत मज़ा आता है। अब हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर। कचरी पाउडर मेरे पास रखा हुआ था पहले से, तो मैं लेकर नहीं आई थी ना। ये है कचरी, ये हम इम्तियाज से लाए हैं। ये इतनी गर्मी में अचानक जो है ना, पता नहीं क्या बच्चों को सूझ गई है टिक्का पार्टी करने की। खैर, टिक्का पार्टी का कोई दिन मुकर्रर नहीं होता, किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। ये अंदाजे से डालना है, थोड़ा ये हमने अंदाजे से कचरी पाउडर डाल दिया, तकरीबन 1 चम्मच ही डाला है। 2 चम्मच डाल दिए। अब इसको हम हाथों से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर हमें मसाला कम लगेगा ना, तो हम और भी मसाला ऐड करेंगे। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है आपको? हाँ जी, बोलते हैं ना। हाँ, मेरा काम ही अभी लगा के इसको छोड़ देंगे तो तकरीबन 6-7 घंटे तो हो ही जाएंगे ना उस वक्त। थोड़ा मसाला मुझे ना कम लग रहा है तो फिर मैं और इसमें ऐड कर देती हूँ मसाला 1 चम्मच। और ये देखिए हटे हुरम हटे। और ये अब आ रहा ना मज़ा। हाँ ये देखिए और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब पकेगा तो अच्छी लगेगी, पकेगा तो हुरम को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गई, इसमें जर्दे का कलर पिंक। ये हमने लगा दिया मसाला जबरदस्त। ये बोटी भी बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। चलो ये हो गया, अब इसको हम टोपी से ढक के हटो पीस से यार। ये एक दो में डाल। हाँ अब हम करते हैं चिकन को मैरिनेट। चिकन के भी है, खैर चिकन में तो हमको टिक्का मसाला डालना है। बिहारी बोटी का मसाला तो उसमें लगाया था हमने। अफान वो खा लो ना बेटा, बस इसको कोई चीज मिला वो नहीं खाएगा। किसी का झूठा भी नहीं खाता, किसी का झूठा तो कोई भी नहीं खाता। हाँ ना। ये रहेगा, इसलिए प्याला छोटा लग रहा है ना। छोटा। अच्छा इसके लिए अब हम बोटी मसाला। जी गाइस ये हमको पता चल गया ये बोटी मसाला नहीं। तो क्या करते हैं ये, कैसे बांधते हैं ये लोग शॉपर वाले, पता नहीं मसाले वाले। ये शॉपर बांधना ही आता, उनको बांधना आता है, हमें खोलना नहीं आता। तो हम शॉर्टकट मारते हैं। ये देखिए हटो, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्चें और दही, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये देखें इसका मैंने पेस्ट बना लिया, अच्छी खुशबू आ रही, खुशबू अच्छी आ रही ना। और उसके बाद हम ये टिक्का मसाला। तो शान वालों का मसाला लो तो 1 चम्मच भी मसाला नहीं आता अंदर से। पैकेट के अंदर इतना कम, इतने कम मिकदार में वो लोग मसाला पैक कर रहे हैं शान मसाले वाले के, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये देखें मैंने इससे 4 चम्मच घी ले लिया। अच्छा भाई उसके बाद ये कलर जर्दे का कलर ये डाल दिया, ये मेरा पसंद का कलर है। और इसमें भी हमने थोड़ा मतलब मुख्तसर से ये देखें ये डाल दिया हमने थोड़ा सा कचरी पाउडर। और इसमें भी हमने 1½ नींबू उसमें डाला था, 1½ हम इसमें डालेंगे। तो ये 4 नींबू गाइस 50 रुपए के, 50 के है ना, 80 रुपए पाव। नींबू 80 रुपए पाव मिल रहा है भाई बाज़ार में। खैर बाज़ार में कोई ऐसी चीज़, कोई एक चीज़ बोल दे कि सस्ती है। ये सब छिलके वाली है। फिर से नींबू, इसमें भी नींबू उसमें भी नींबू, आप आधा डालो ना, मसला होता है नींबू का वो नींबू। चलो ये हो गया, अब हम इसको फाइनली मिक्स कर देंगे। मिक्स ऐसे करना है कि एक बोटी पे मसाला हो और मसाला अगर हमें कम लग रहा है तो हम फिर इसमें भी मसाला ऐड कर लेंगे। देखा हुरम को सब बातें, सब कुछ हुरम को पता चल गया है ना हुरम। ये देखें इसकी ये बहुत अच्छी, ये ज़्यादा अच्छी खुशबू है। अच्छा उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ये वाली हुरम को अच्छी लग रही है खुशबू। हमने बहुत अच्छे से अब जाएंगे मसाला कर दिया, एक एक बोटियों को मसाला लगाए, एक एक वन बहुत अच्छे तरीके से हम वन लगाए खुशबू माशाल्लाह इतनी खतरनाक खुशबू आ रही है टिक्के की कि अभी से भूख लग गई है ना उरो। हाँ जी हाँ और मेरे हाथों में ना थोड़ी सी जलन भी शुरू हो गई है हरी मिर्च पीसने की वजह से। जलन कैसे हो ये पता है मुझे, ये जो चीज़ है ना नाखून से आप निकाल लेंगे तो जलन मेरे भी होगी जलन। अच्छा बहुत से लोग जो है ना घर का मसाला भी बनाकर ऐड करते हैं, मगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था घर के मसाले का, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जो है ना दो दो काम गोश्त को धोना अकेली में, मैं अकेले काम करने वाली थी, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं इन मसालों की बड़ी तारीफ़ें सुनी थी हम लोगों ने, तो हम ये मसाला ले आए थे। फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो आपको मैं बताऊँगी घर के मसाले से भी कैसे हम इसको मैरिनेट कर सकते हैं, टिक्का मसाला बारबेक्यू मसाला किस तरह बनाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल तो हमने इसको निपटा लिया, ये हो गया। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग और रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की टिक्का मसाला और सीख बिहारी बोटी मसाला। ये आज मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है हरी मिर्च की वजह से। तो फिर हम आप सब मुझसे जुड़े रहिएगा, मेरे वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। और फिर हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। और हाँ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।